नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। तो चलिए, दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आज यानी 12 फरवरी को हल्द्वानी में भी पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। बता दें कि हर केंद्र में सीसीटीवी कैमरे और वीडियो कैमरों से भी भर्ती परीक्षा की मॉनिटरिंग की गई। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में तैनात पुलिस कर्मियों को भी मोबाइल ले जाना मना था। साथ ही परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों की भी पर्याप्त चेकिंग की गई। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोविंद वल्लभ पंत पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक सुमित हृदेश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग के साथ ही लाठीचार्ज करने वाले दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। हल्द्वानी की ऊंचा पुल में उत्तराखंड महिला जागृति और कल्याण संस्था द्वारा बैठकी होली का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में महिलाओं ने बैठकी होली कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस विशेष होली में महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी, जहां महिलाओं ने होली के गीतों पर स्वांग भी रचाया। बता दें कि संस्था द्वारा पिछले कई सालों से हल्द्वानी में होली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां महिला होली गायन प्रतियोगिता कराई जाती है। पहाड़ की महिलाओं की छुपी हुई प्रतिभा को भी इस मंच के माध्यम से निखार आता है। हल्द्वानी पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में देशी शराब और कच्ची शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दमवाढुंगा के पास जवाहर ज्योति निवासी महेश चंद को 59 पौवे देसी शराब के साथ पकड़ा है। तो वहीं चोरगलिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेखाल जाने वाले मार्ग से सितारगंज निवासी बिट्टू को 52 पाउच कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बनभूलपुरा पुलिस ने 26,000 की नकदी के साथ चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थानाध्यक्ष नीरज भाकुने ने बताया कि उन्हें तहरीर मिली थी कि लाइन नंबर 12 में एक घर में चोरी हो गई थी, जिसमें 26,000 रुपए चोरी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं अब आरोपी को स्लॉटर हाउस के पास से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी के पास से चोरी की रकम भी बरामद हो गई है। तो फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।